भारत जोड़ो यात्रा तहत पंजाब पहुंचे हुए राहुल गांधी वालों जून 1984 से नवंबर 1984 सिख कतलेआम से वड्डा बयान दिता गया है। दसूआ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी वालों आख्या गया है कि जून 1984 और नवंबर 1984 के कतलेआम के उपर उन्हों का भी उही स्टैंड है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी वालों दिता गया सी अते वो अपने स्टैंड ते कायम ने उन्हां वालों पहला ही इस जिहड़ा है कतलेआम दे उपर अपने स्टैंड नूं स्पष्ट कर दिता गया है। दूसरे पासे इस बयान तो बाद श्रोमणी अकाली दल दे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा वालों राहुल गांधी नूं घेरिया गया है। उन्हां वालों आखिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा तहत पंजाब दे विच जिस तरह दौरा कीता जा रहा राहुल गांधी वालों उस तो यह जिहड़ी है आस जताई जा रही सी कि उन्हां नूं शायद पंजाब दे लोकां दे दिलां बारे पता लग गया होना है कि जून 1984 ते नवंबर 1984 ने किस तरह दे दर्द सिखां नूं पंजाब दे लोकां नूं दित्ते ने, पर इस तरह दा बयान जो राहुल गांधी वालों दिता गया है वो अफसोसजनक है। तो सब तो पहला सुना दिंदे आ कि राहुल गांधी वालों की बयान दिता गया प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान, उस तो बाद डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा वालों इस बयान से किस तरह जिहड़ी है निंदा राहुल गांधी दी कीती गई है। मिस्टर मनमोहन सिंह on the floor of the house has made his position and the Congress party's position very clear. Congress president Sonia Gandhi ji has also done that, and I fully endorse what Prime Minister Manmohan Singh ji said, what Sonia Gandhi ji said, and also I have also made my stance abundantly clear in the past. Assi mehsoos karde si ki inne din Punjab de vich vicharan to baad ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ।